आज सेक्टर 21 में अपने 5वें जनसंपर्क कार्यालय का शुभारंभ किया। फोरम के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ नगर सेविका लीना अर्जुन गरड ने इसका उद्घाटन करते हुए बताया कि यहां के नागरिकों को हर तरह के सरकारी दस्तावेज दिलाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही नागरिक समस्याओं के समाधान के लिए भी काम किए जाएंगे। इस अवसर पर कार्यालय समन्वयक मधुशेठ पाटिल और अनिता भोसले समेत तमाम पदाधिकारी भी मौजूद थे। देखे रिपोर्ट। खारघर कॉलोनी फोरम के 5वें जनसंपर्क कार्यालय का आज शुभारंभ हो गया। सेक्टर 21 में समन्वयक मधु सेठ पाटिल के नेतृत्व में संचालित होने वाले खारघर के इस जनसंपर्क कार्यालय से नागरिकों और छात्रों को सभी जरूरी दस्तावेज दिलाने में मदद मिलेगी। आज इसका उद्घाटन करते हुए फोरम की अध्यक्षा एवं वरिष्ठ नगर सेविका लीना अर्जुन गरड़ ने कहा कि राजनीतिक दल और पनवेल महानगर पालिका कॉलोनी क्षेत्र की नागरिक समस्याओं के समाधान में फेल हो रहे हैं, इसलिए खारघर कॉलोनी फोरम जनता को उनका हक और न्याय दिलाने के प्रयास में जुटा है। उन्होंने कहा कि फोरम जल्द ही पनवेल और कलमबोली समेत अन्य ठिकानों पर भी जनसंपर्क कार्यालय प्रारंभ करने वाला है। खारघर कॉलोनी फोरम पिछले 8 साल से खारघर में काम कर रहा है और हमारे हर सेक्टर्स में, सेक्टर 2 से लेकर सेक्टर 35 तक, हर सेक्टर में हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं और हर एरिया में खारघर कॉलोनी फोरम कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू काम कर रहा है। इसी प्रकार हमारा विस्तार अभी खाली खारघर न होके पूरा पनवेल म्युनिसिपल एरिया में हो चुका है। कामोठा में अब जल्द ही हमारा नया कार्यालय शुरू होने वाला है। उसी प्रकार कुछ 2 महीनों में कलमबोली में भी नया कार्यालय शुरू होने वाला है और हमारी विचारधारा लोगों को पसंद है, लोगों की जो ताकत है हमारे साथ है। हमारे कामोठे से एक सहकारी आए थे जिन्होंने कहा कि किस प्रकार से कामोठे कॉलोनी फोरम कामोठा में काम कर रहा है। वहाँ के जो कचरा निर्मूलन छोटी समस्या ये बहुत बड़ी समस्या है, मतलब फुटपाथ पे, रोड पे कचरा पड़ा हुआ है लेकिन सिडकों या महापालिका दोनों ही प्रशासन ध्यान देते नहीं हैं। तो हमारे कॉलोनी फोरम के कुछ कोऑर्डिनेटर्स ने वहाँ पे हर संडे 1 घंटा वक्त बिताने का तय किया है और 1 घंटा वो लोग फुटपाथ और रोड पे जो कचरा है वो साफ करेंगे और दिखा देंगे प्रशासन को कि देखो किस तरह से आप आँखें बंद करके यहाँ पे किस प्रकार से प्रशासन काम कर रहा है। हमने सबको यहाँ पे ऐलान किया है कि सब लोग जल्द से जल्द हमारे जो ऑनलाइन मेंबरशिप फॉर्म्स हैं वो भर लें ताकि उनकी ताकत हमारे साथ रहे। जितने ज़्यादा मेंबर्स होंगे उतनी ताकत हमारे कॉलोनी फोरम की बढ़ेगी। वहीं कार्यालय के समन्वयक मधु सेठ पाटिल ने कहा कि खारघर कॉलोनी फोरम इकलौती संस्था है जो नागरिकों के लिए काम कर रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि फोरम कॉलोनी क्षेत्र के नागरिकों की मदद और नागरिक समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। मधु सेठ पाटिल ने नागरिकों से फोरम की सेवाओं का लाभ उठाने का भी आह्वान किया। मेन चीज़ वोटर रजिस्ट्रेशन रहेगी, उसके बाद में इंडिविजुअल जो डे टू डे लाइफ में जो भी लाइसेंस या दाखिले की ज़रूरत पड़ती है या पूरे फैमिली में बच्चों से लेके सीनियर सिटीजन तक जो प्रमाण पत्र चाहिए रहते हैं वो सबकी सुविधा या हम लोगों ने ओपन करके रखी है और भविष्य में इसका सभी लोग लाभ लेंगे। उसके अलावा अगर इंडिविजुअल कुछ प्रॉब्लम है, मतलब नगर पालिका से है, महानगर पालिका से है या अपना सिडको से है, तो वो भी सुलझाने की हम लोग पूरी पूरी कोशिश करेंगे। एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ सिर्फ पूरे जोन में पूरा कॉरपोरेशन में एक ही खारघर कॉलोनी फोरम अपोज करती है और लोगों के साथ खड़ी हुई है। इसका मतलब लोगों का काम कर रही है खारघर कॉलोनी फोरम, ये तो सामने से दिखता है। ये सबसे बड़ी चीज़ है और वो चीज़ हम लोग कंटिन्यूस रखेंगे और कंटिन्यूस लोगों के लिए काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सहभाग रहेगा, ऐसा ही काम हम लोग करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।